नवाजी जो है वो सरकारें इसकी करती रही। जब से ये सरकार आई तब से ये जेल के अंदर था और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज था और आज उसकी जो सुनवाई होने के बाद जो सजा दी गई है उसको उम्र कैद दी गई। हम धन्यवाद करते हैं जज साहब का जिन्होंने उनको सजा सुनाई है। अब तो यासीन मलिक आया है, इसके बाद मसरत आलम, बिट्टा कराटे जैसे बड़े बड़े आतंकवादी भी इसी प्रकार से उनको फांसी और उम्र कैद दी जाएंगी। अभी तो उम्र कैद से हमारा जो है दिल नहीं भरा। हम ये कहते हैं कि इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। हमारी हमेशा मांग रही है कि इस आतंकवादी को मौत की सजा होनी चाहिए। अभी 4 केस उसके ऊपर और बाकी हैं। हम सरकार से ये अपील करेंगे, हम कोर्ट से ये आग्रह करेंगे कि कोर्ट उन केसों में इसको मौत की सजा दे। इसको जेल के अंदर पालने की जरूरत नहीं है ऐसे आतंकवादियों को। इनको सीधे फांसी पर लटका कर इनका खेल खत्म कर देना चाहिए ताकि देश के अंदर कोई आतंकवाद का जो है नाम लेने वाला ना बचे। यही मांग हम सरकार से और कोर्ट से कर रहे हैं। यासीन मलिक का अंत आ गया, यासीन मलिक की समाप्तिकरण हो गई। अब कोई उग्रवादी उग्रवाद करने का प्रयास नहीं करेगा। अब कोई व्यक्ति ये विचार करने का प्रयास नहीं करेगा कि मुझे उग्रवादी बनना है। आज कोर्ट ने उस व्यक्ति को एक उसकी धर्मपत्नी एयरफोर्स की जिसने जिसके 4 परिवार के बंदों को मार दिया था, आज कोर्ट के निर्णय सारी व्यवस्था टेरर फंडिंग के आने के उपरांत आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि उग्रवाद की तरफ कोई देखने का प्रयास ना कर पाए एक मैसेज देने की बात की गई है। और वो सियासतदान, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश का जिसने उसको रेड कार्पेट के माध्यम से वहाँ स्वागत करा, आज उसको की तरफ लोग देखने का प्रयास करना चाहते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए। जो बंदा टेरर फंडिंग के अंदर जिसको सजा देने की बातें की गई हैं, जिसको नस्ल नबूद करने की बातें कर दी गई हैं, और वो जो टेरर को क्रिएट करने का प्रयास श्रीनगर के अंदर कर रहे हैं, उनके एक स्पष्ट मैसेज देने का प्रयास किया गया है। आर या पार, अब कोर्ट भी नहीं छोड़ेगी, अब यहाँ की सरकार भी नहीं छोड़ेगी, अब यहाँ का उपराज्यपाल भी नहीं छोड़ेगा, विजय कुमार भी नहीं छोड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेज भी उनको नहीं छोड़ने वाली हैं। आज क्लियर मैसेज है, अब आर या पार समाप्तिकरण। और ये जो यासीन मलिक के साथ हुआ है जिसने टेरर फंडिंग लेकर के सारे हिंदुस्तान के अंदर टेरर कैसे क्रिएट किया जाए, आज वो गया और उसकी समाप्ति के कारण जो कोर्ट ने एक निर्णय दिया है वो बड़ा स्वागत योग्य है। इसका हम स्वागत करते हैं ढोलों के साथ, नगाड़ों के साथ, छैनों के साथ, पटाखे उठा करके कि आज ये कैसे अंत इसका, ये देखिए क्रॉस लगा करके अंत कर दिया है। आज इसका अंत हो गया है और आने वाले दिनों के अंदर कोई टेरर पैदा नहीं होगा, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है।
और जिस तरह से श्रीमान आईजीपी विजय कुमार वहाँ एक एक दिन के अंदर तीन तीन चार चार लोग मार रहे हैं, वो भी एक मिसाल है। और उपराज्यपाल महोदय जिस तरह से डटे हुए हैं, सारी हिंदुस्तान का साथ उनके साथ है। और माननीय मोदी जी, आर करो, पार करो, बालाकोट एक बार करो और इनको नस्तनाबूद करो। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट, जम्मू से। धन्यवाद।